ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब मेरा जन्म होने वाला था उसके पहले मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ होगा, उन्होंने सेंटर जाना शुरू कर दिया कि कहते हैं बच्चे के जन्म के पहले अगर गर्भ में होता है और जाते हैं सत्संग में जाते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होता है, बच्चे में वो अच्छे गुण आ जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया। जब वहाँ जाना शुरू किया तो उसके बाद में उसी समय मम्मा, जो हमारी प्यारी मम्मा, वो सीमों में आ रही थी, कानपुर में वहाँ सीमों में आना था। तो मम्मी और पिता जी दोनों जो हैं सीमाओं में गए मिलने के लिए, उस समय मैं गर्भ में थी। तो जब पिताजी ने मुझे ये बात सुनाई तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, चलो जन्म के बाद ना सही, जन्म के पहले तो मैं मम्मा की गोद में गई क्योंकि मम्मी को मम्मा ने गोद में लिया था। इस बात को जब मैं एक बार आबू गई थी तो वहाँ कुछ सेंटर्स की बहनें बैठी थी, उनके बीच में जब मैंने इस बात की चर्चा की कि मैं तो मम्मा की गोद में गई थी, उन्होंने कहा आप तो 79 में ज्ञान में आए हो, मम्मा तो 65 में शरीर छोड़ा, तो आप कैसे गोद में गए। तो मैंने जब उनको वो घटना सुनाई तो वो मानने को तैयार नहीं हुए, कहे ये कैसे हो सकता है, मम्मा जो है कम से कम एक साल की पवित्र आत्मा को ही गोद में लेती थी, ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। तो मुझे भी लगा कि कैसे हो सकता है। मैं कानपुर आई तो अपनी बड़ी दीदी विद्या दीदी के आगे बात रखी, मैंने कहा दीदी ऐसा था क्या कि मम्मा जो है एक साल के पवित्र आत्मा को ही गोद में लेती थी। बोली हाँ। मैंने कहा फिर मम्मी को कैसे उन्होंने लिया। तो वो हंसने लग गई, उन्होंने कहा उनको पता होगा ना कि उनकी कोई सखी जो है पुनर्जन्म लेकर के आ रही है। तो जब दीदी ने ये बात कही तो मुझको लगा कि हाँ सकता है, क्योंकि बचपन के जो संस्कार, जो ईश्वरीय संस्कार दिख रहे थे उससे लगा कि हो सकता है कि ये मेरा कैरी फॉरवर्ड 84th बर्थ होगा, जो कि पिछले जन्म में तो मैं ब्रह्मा कुमारी होंगी, हो सकते होंगे शरीर छोड़ा होगा फिर यहाँ आए और हिसाब किताब के कारण फिर इस जन्म में इस माता पे लौकिक माता पिता के घर जन्म लिया, और उसके बाद में फिर जब मेरी वो उम्र आई खतरे वाली उम्र अर्थात 17-18 साल की उम्र हुई, तब बाबा ने मुझे फिर अपना बनाया। तो इसलिए मैंने बताया कि 84 जन्म जो होते हैं वो हमारे 84वां जन्म कैरी फॉरवर्ड होता है। तो उस समय भी हमारा 84वां जन्म था और इस समय भी अभी हमारा 84वां जन्म ही है।